हेलो एवरीवन, आज मैं एक टॉपिक लाया हूँ आपके लिए जिसका नाम है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी हाँ, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे रिगार्डिंग सोल ट्रेडिंग कंसर्न। बट ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, तो उसके पहले हमको जानना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, जो लोग कॉमर्स से बिलोंग नहीं करते हैं उनको सबसे पहले समझने पड़ेंगे मेरे दो सेशन जिसका नाम है बिजनेस एंड उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी तो ये दो टॉपिक समझने के बाद आप समझ जाओगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या है। उसके अलावा भी मैं आज कोशिश करूंगा कि आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न पूरी तरह से आपको समझा पाऊँ अच्छे से। जी अब मैं बात करता हूँ सोल ट्रेडिंग कंसर्न की। तो ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक्चुअली क्या है? जी तो देखिए स्टूडेंट्स, सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये तीन वर्ड्स है। पहले हम टाइटल की ओर जाते हैं, आज के टाइटल की ओर, ठीक है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न ये क्या है? देखिए सोल का SOLE, सोल का मतलब होता है सिंगल। जी हाँ, ये सोल वर्ड डिराइव किया गया है इंडियन लैंग्वेज में, जिसको बोलते हैं सिंगल। जी हाँ, अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है सिंगल ओनर की दुकान। जी हाँ, सिंगल ओनर फॉर्म। जब कोई सिंगल पर्सन सोल इन्हें सिंगल ओनर जब कोई अपनी फर्म को एस्टेब्लिश करता है तो उसकी दुकान को बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। जी हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न एक स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं, और जो पर्सन दुकान चलाता है ओनर उसको बोलते हैं सोल ट्रेडर, आइदर उसको बोलते हैं प्रोप्राइटर। जी हाँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं और सोल ट्रेडर को हम प्रोप्राइटर बोल सकते हैं। ऐसे बहुत सारी दुकानें हैं जो सिंगल, जहाँ पे सिंगल ओनर पाया जाता है। जी हाँ, एक ही ओनर। अब एक आगे जैसे जैसे सेशन बढ़ोगे तो आपको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाऊंगा कि द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ऐसी दुकान जिसके अंदर एक सिंगल पर्सन अपनी लागत इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल इन्वेस्ट करता है और वो खुद ही मैनेज करता है, प्लस खुद ही उसकी स्किल्स के बेसिस पर अपने बिजनेस को ग्रोथ करता है, उस बिजनेस को बोलते हैं हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, तो एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैं एक इंडिविजुअल पर्सन हूँ, मुझे दुकान खोलनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सपोज मैंने एक बुक स्टॉल खोल दिया, तो बुक स्टॉल के अंदर मेरी ओनरशिप मेरी होगी। ओनर भले मैं एम्प्लॉय कितने भी रखूँ, लेकिन ओनरशिप किसकी? सिर्फ मेरी है। तो मैं उस दुकान को सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहूँगा, और मैं कौन हुआ? मैं हुआ सोल ट्रेडर। जी हाँ, उस पर्सन ओनर को ऑन्टरप्रिनर को बोलते हैं सोल ट्रेडर। जी हाँ, तो ऐसे ही सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है ये स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसको गवर्नमेंट टैक्सेशन में भी काफ़ी कंसेशन देती है। गवर्नमेंट का बोलना है कि तुम अपना घर चलाओ, वही बहुत है। एक सिंगल ओनर अपना घर चलाए उतना ही है, हमको बर्थडे पार्टिसिपेट मत करो। तो इसलिए इनको बहुत सारे बेनिफिट भी है, इसके ड्रॉबैक्स भी है, बट सबसे स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल ट्रेडिंग कंसर्न आती है। अब ये सोल ट्रेडिंग कंसर्न दुकानें कहाँ पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूँ, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया में पाई जाती है। आपके घर के आसपास की जो दुकानें होंगी प्रोबेबली वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ही आती है। आप गवर्नमेंट को देखो, लॉ कानून अंधा है, उसको जो दिखाओगे वो मानता है, वो उसको जो उसके लिए जो क्लेम हुआ, जो प्रूफ हुआ वो सही उसके लिए। अब सपोज फॉर एग्जाम्पल एक घर में चार भाई है, अब चार भाई है तो सपोज बड़े भाई के नाम पे दुकान रजिस्टर्ड है, फर्म रजिस्टर्ड है, तो उसको भी हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न ही कहेंगे। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ कि गवर्नमेंट को आप क्या क्लेम कर रहे हो ये महत्वपूर्ण होता है। यानी कल को अगर कुछ ओनरशिप की बात आई या भाई का बंटवारा हुआ तो पूरा हिस्सा उस भाई को ही मिलेगा जिसके नाम पे उसकी फॉर्म रजिस्टर्ड है। जी हाँ, दुकान रजिस्टर्ड है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है सोल ट्रेडिंग कंसर्न से, यानी मोस्टली आप रेजिडेंशियल एरिया में जितने भी फॉर्म देखोगे वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में ही आते हैं। इसके अलावा टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ना है तो मेरे नेक्स्ट सेशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आपको एक बता दूँ कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। तो इंडिया के अंदर बिजनेस की दुकानें जो है वो काफ़ी वेरिएशन में डिवाइड की गई है, उसको पांच टाइप में डिवाइड किया गया है। जी पहला आता है सोल ट्रेडिंग कंसर्न, दूसरा आता है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, चौथा आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, पाँचवा आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या करेंगे आज, सिर्फ मेरे को सोल ट्रेडिंग कंसर्न का एक्चुअली मीनिंग कंसेप्ट क्लियर करना था और कुछ नहीं। जी तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको और डिटेल पढ़ना है तो मेरा एडवांटेजेस प्लस जिस एडवांटेजेस वाला सेशन प्लस फीचर्स वाला सेशन आपको अलग से सुनना पड़ेगा, तब जाके आपको एक क्लैरिफिकेशन होगा कि सोल ट्रेडिंग कंसर्न क्या क्या बेनिफिट इंजॉय करता है, प्लस क्या क्या वो ड्रॉबैक्स भी उसके पाए जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही, फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ सामने आऊँगा।
हैव अ नाइस डे, टेक केयर।